बुआ जी आप मेरी वीडियो देखते हो क्या? हाँ बेटा बहुत देखना, बहुत खुशी करने देखते, बहुत अच्छी वीडियो तुम बनाते जी, बहुत अच्छी। अरे बेटा हिंदी तो आपको बाल नहीं आता, हम तो पंजाबी बोलते हैं खास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते आदाब, और मेरा नाम आफ्ताब हुसैन और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल आफ्ताब जो ये व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी काफी अच्छा हूँ और अल्लाह के फजल करम शुक्र के साथ नए व्लॉग करते हैं स्टार्टिंग। और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक करेगा, शुक्रिया। और आज के व्लॉग में अपने आए हुए छत पर, जैसे आप देख रहे हो कि अपने आज चांद देख रहे हैं और 29 रोजे हो गए हैं और आज शायद चांद दिख सकता है। अगर आज चांद दिखा तो कल ईद होगी, नहीं तो फिर 30 रोजे पूरे होने के बाद में ईद तो कन्फर्म होगी और चांद भी फिर दिख जाएगा। बाकी आज अपने देख रहे हैं छत पे आके, और मुझे मेरी दूर की निगाह थोड़ी कमज़ोर है इसलिए मैं चश्मे भी साथ में लाया हूं और थोड़ी देर ट्राई करते हैं अपने, देखते हैं अगर दिखता है तो, नहीं तो फिर कल एक रोजा और रखेंगे अपने। और मुझे 10-15 मिनट ऊपर हो गए छत पे और मैं देख रहा हूँ चांद, लेकिन मुझे चांद अभी तक नहीं दिखा। और वैसे कल सऊदी अरब भी ईद नहीं थी, मतलब आज जो आज वाला दिन था वहाँ पे सऊदी अरब भी कल चांद नहीं दिखा था, फिर वहाँ पे आज नहीं ईद नहीं थी। और सऊदी अरब एक दिन अपने से एडवांस रहता है, वहाँ पे एक दिन पहले चांद दिखता है, इसलिए अपने इतना नहीं करेंगे क्योंकि अगर वहाँ पे कल चांद दिखता तो फिर अपने आज शोर था कि अपने आज चांद दिख जाता, लेकिन वहाँ पे भी कल चांद नहीं दिखा था और वहाँ पे आज चांद दिखा है। और कल ईद मनाई जाएगी तो अपने कल रोज़ा रखा जाएगा मेरे हिसाब से, बाकी पता नहीं क्या होगा, बाकी जो कुछ होगा ऐलान हो जाएगा। और अपने नीचे चलते हैं और अपने नीचे आ गए जैसे आप देख रहे हो, और ये भी फाइनल हो चुका है कि अपने कल ईद नहीं होगी क्योंकि अपने इंडिया के अंदर चांद नहीं दिखा और सऊदी अरब के अंदर चांद दिख गया, और वहाँ पे ईद होगी क्योंकि वहाँ पे 30 रोजे मुकम्मल पूरे हो गए हैं और अपने 29 रोजे हुए हैं, और कल का रोजा भी अपना रख के पूरे 30 रोजे हो जाएंगे, उसके बाद फिर अपनी ईद होगी। बाकी अब अपने जा रहे हैं पार और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कुछ और। और आप ही मेरे सामने मिठाई देख रहे हो, और ये मेरे अबू जी मार्केट से लाए थे, और मैं ये मेरे अबू जी अपने सिस्टर औरों के लाए थे और मेरी बुआ जी औरों के लिए, उनको ईदी देते हैं और इस साल के लिए भी उनको ईदी देंगे, और जितनी मुझे ईदी मिलती है उससे उनको दुगनी मान सकते हो, दुगनी या मेरे से काफ़ी ज़्यादा मिलती ईदी उनको। बाकी मैं आप लोगों अमाउंट नहीं बताऊँगा एग्जैक्ट कितनी ईदी मिलती है, और उसके साथ में ये मिठाई भी हम देते हैं। और ये जो मिठाई है हमने अलग अलग बॉक्स के अंदर अबू लाए थे, और अभी इसको अपने मिक्स करेंगे और उसके बाद में फिर जाएँगे। और मेरी बुआ जी और हमारे गांव के अंदर ही है, वो ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है, और मेरी 3 बुआ जी हैं, और तीनों बुआ जी हमारे गांव के अंदर ही हैं। तो अपने बस अभी रात का टाइम है और अगर में जाएंगे, और जो ईदी की अमाउंट होगी वो अपने इस कार्ड के अंदर डाल के दे देंगे। बाकी ये जो मिठाई आप सारी देख रहे हो अपने सारी उनको देख के आएंगे, जितनी भी अपने घर के लिए इसके अंदर कुछ भी नहीं रखेंगे, सारी अब उनके लिए लाएँ तो उनको दे देंगे अपनी। और अपने इंशाल्लाह कल मार्केट जाएंगे, अगर हो सका तो फिर मैं घर वालों के लिए और मिठाई लाऊँगा ईद पर। बाकी अभी अपने इसको मिक्स करते हैं और फिर चलते हैं बुआजी के घर पे। और ये अपनों ने एक डब्बा जो है मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से, और आप देख रहे हो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने के अंदर भी। और ये अपना बाइक अपने ये लेके जाएंगे, मेरा वाला बाइक हो रहा। और ये बाइक थोड़ा शोर कम करता है उसके अंदर, वो शोर रात को गलियों के अंदर मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए अपने ये दूसरा बाइक लेके जा रहे हैं, नहीं तो मैं दिन में वही प्रेफर करता हूँ ज़्यादा चलाना। और अपने बुआ जी के घर पे आ गए और अपने अंदर चलते हैं। और लो बुआ जी ये आपके लिए ईदी आपके बाइक की तरफ से और मेरे अब्बू जी की तरफ से, और आपके लिए एक ऊपर ये भी है, ये भी आप रखें। और अब बुआ जी ने हमें बनाना शेक बना के दिया है, और हमें शेक वगैरह अच्छे लगते हैं तो हम पियेंगे बनाना शेक। और ये आप रूम भी देख सकते हो, जैसे हमारे घर पे रूम था वैसे हम मेरी बुआ जी के घर पे भी रूम है, और आपको ये गांव के लगभग हर एक घर में ये रूम में देखने को मिलेगा ऐसा एक ना एक। अपने दूसरे बुआ जी के घर पे जा रहे हैं, और लो बुआ जी ये आपके भाई की तरफ से आपको ये दी। और यहाँ पे मेरे दो बुआ जी का घर था, और मैंने दोनों बुआ जी को दे दिया ये दी, और उनकी मिठाई भी। अब अपने तीसरी बुआ के घर पर जा रहे हैं, तीसरी बुआ घर आ गए और अपने चलते अंदर। और अब ये देख रहे हो ये मेरे हमारा पुराना घर, मेरे दादा और दादी जी और वहाँ घर है ये, और अब ये मेरे चाचा जी का घर है, बाकी साथ में मेरी बुआ जी का घर है जो बिल्कुल साथ में आप देख रहे हो। और अपने अब यहाँ पे चलते हैं।
और यहाँ पे आप देख रहे हो सुलेमान को और आप जैद को भी देख रहे हो। और ये इनकी नानी जी का घर है और यहाँ पे एक हरिओम भी है, इनका नाम हरिओम, और इनकी बार शॉप है। और ये भी एम पी इनके पास साथ खेलने आए हुए थे और ये भी व्लॉग में आ गए, ये कि हमें भी व्लॉग में आना है। तो आ जाओ भैया, आप भी आ जाओ। दवाई दवाई चलती है, महसूस तो घना ही जोरा भी घना ही साल कितना रखना कि नहीं रखना, कोई शरीर ठीक नहीं आया। चलो दोनों इंशाल्लाह रब ने रखा है। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਕਰ, ਜਾੜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਰਿਹਾ, ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਜਾਣ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਬਰਾਵਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਭ ਬੜੇ ਬੁਆ ਜੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਕੋਈ ਸਿਲਾਏ ਨਾ? ਬੇਟਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਿਲਾਏ, ਨਹੀਂ ਸਿਲਾਏ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਕਿਆ ਵਸਲਾ ਨੇ? ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈਏ, ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਦੇ ਅੱਜ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ, ਪਾਪੇ ਕੋ ਤੇ ਅੰਮੀ ਕੋ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਰੀਖ ਹੋਰੀ ਤੇ ਜੈਦ ਹੋਰੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ। ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੇਗਾ ਨਾ ਤਾਰਿਖ, ਤਾਰਿਖ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਤਰਫੋਂ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਜੈਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ। ਆਏ ਅੱਜੂ ਬਾਈ ਜੀ ਆਇਆ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਬੁਬਾ ਨੂੰ ਆਦਿ ਈਦ ਦੇਵਣ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਰੰਗ ਬਾਗ ਲਾਵੇ, ਅੱਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਖੜੇ ਤੇ ਨਾਨੀ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। और मेरी जो बुआ जी है ये पाकिस्तान भी गए, दो दिन भर गए हुए हैं और इसलिए जो हमारे पाकिस्तान में जो रिश्तेदार रहते हैं उनके ये नाम ले रहे थे कि उनको उन सबको भी ईद की काफी मुबारकबाद। बाकी तेरे अब्बू ने भी आज मुबारक तारीख, सब सारे अल्लाह तंदुरुस्ती रखे बस। मेरी वीडियो देखते हो क्या? हाँ बेटा, बहुत देखना, बहुत खुशी करने देखते, बहुत अच्छी वीडियो तू बनाते जी, बहुत अच्छी। अरे बेटा हिंदी तो हमको बाल नहीं आता, हम तो पंजाबी बोलते खास, हम तो अनपढ़ बच्चे बह गए हमें। बेटा तुझ तो पढ़े लिखे जे ना, सानू हिंदी दी आवे ना सानू कोई अंग्रेजी आवे, हम तो भाई नहीं बोल सकते हैं। ते थोड़े बोल अब एक दिन मैं तैन की सद जी वीडियो सद जी क्या बोलते किसको इसको वे तो बहुत राजी हो तो नहीं आ, बहुत आप तो खुशी मनाने बेटा तेरे और मेरी बुआ जी को भी हिंदी काफ़ी कम आती है, फिर भी उन्होंने ट्राई की थोड़ी बहुत हिंदी बोलने की और ये बोलने की आपकी वीडियो मैं देखती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह, बस अपने ये चाहिए था कि अपने जो भी देखे अपने को काफ़ी अच्छा लगे, लोगों को कोई भी हो, मेरे रिश्तेदार हो या कोई भी हो, उनको सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे और मैं यही चाहता हूँ। और मेरा कोई मोटिव नहीं है यूट्यूब पे आने का, बाकी और भी हैं वो बताएंगे आपको धीरे धीरे। और ये भी मेरे एक मोटिव में से एक है, अगर जो भी मेरी वीडियो देखता है वो अगर खुश हो तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। पर बुआ जी आप मेरे जो फैमिली है YouTube फैमिली, आप उन सबको क्या बोलना चाहते हो? केड़े केड़े मेरे बहन भाई देखने गए ना इस मेरे भतीजे की वीडियो, सब को मुबारक, ईद मुबारक, सब बड़े छोटे को, छोटे को प्यार, बड़े को मुबारक। हाँ। और ठीक हाँ ठीक है, कोई गलती सलती में तो माफी करया जी, ते मेरे खुशी करया जी बहुत। अगर बताओ फैलाओ, इसको देखो, अगर और भी बहन भाइयों और भी दिखाओ, बहुत मेहनत की थी आंदे पर काफी टाइम हो गया, लगभग 11 बजने वाले हैं और अपने घर पे चलते हैं। और अपने अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छी मुलाकात हुई सब सभी बुआओं से, और बड़ी जो बुआ थी उनसे आपको मैंने मुलाकात भी करवा दी। और ये मेरी ठीक है बेटा, दोनों वाला रंग भाग लावे, अल्लाह तंदुरुस्ती रखे, बहुत खुशी की थी दौड़े आया दी। और ये मेरे व्लॉग में पहला ऐसा आप वीडियो देखोगे जिसके अंदर आपको कोई लेडीज दिखेगी और वो उनकी उसकी स्टार्टिंग में मैं अपनी बुआ जी से कर रहा हूँ। और बस मैं यही बोलना चाहता हूँ, बाकी अपने घर पे चलते अपने। और सभी काफ़ी खुश होते हैं जब कोई भी भाई अपनी बहनों को ईदी देता है या अपने जो भी अपने पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को जब ईदी देते हैं। तो जैसे हमने इन्हों को बुआ और को ईदी दी तो ये भी काफ़ी खुश हुए कि हमारे भाई ने हमारे लिए ईदी भेजी है। तो इसीलिए मैं आप सबको बोलता हूँ कि जो भी भाई बहन है वो अपने छोटों को या अपनी बहनों को अपने सबको ईदी दे और ये ऐसे ही खुशियाँ बढ़ाते रहें। बाकी अब घर पर जा रहे हैं और टाइम काफ़ी रात हो गई है और आज अगला दिन है और आज 30वां रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी मेरा रोज़ा है और अपने को एक रोज़ा और रखने का मौका मिला। बाकी जैसे आप लोगों ने देखा कि रात को अपने गए थे बुआ जी और घर पे और काफ़ी वो खुश हुए, काफ़ी उनको अच्छा भी लगा और काफ़ी हमें भी अच्छा लगा। और अब मेरे बाल थोड़े से मुझे बड़े लग रहे हैं, वैसे ऊपर से बड़े नहीं है, थोड़े साइडों से बड़े हैं, तो अपने देखते हैं चलते हैं क्योंकि कल ईद पे थोड़ी बहुत अपने सही करवा लेते हैं, बाल भी कटवा लेते हैं नीचे से। लेकिन आज भीड़ काफ़ी होगी और जितने भी यहाँ पे गाँव के अंदर शॉप्स होगी सबके अंदर फुल होगी वो आज, क्योंकि आज रात को 12 बजे तक लगभग वो लगातार काम करते रहेंगे और फिर भी आधे लोग रह जाएंगे क्योंकि एक दिन पहले सवेरे भागते हैं कि हम भी अपने बाल कटवाने हैं। वैसे अपने
दोनों ही देखते हैं और मैं पहले फ़ोन करके पूछूंगा, अगर उसके पास टाइम हुआ तो फिर मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। और आप लोगों को कल ईद पे ईदी भी मिलेगी और आप वो भी वीडियो देखेगा। बाकी आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही था, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, नीचे कमेंट करिएगा, इसको आगे शेयर करिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह जल्द आपको मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर। खुश रहिएगा, ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, बाय बाय।